अनुष्का मेमोरियल से आज मैंने मैदान मूवी देखी। मैदान मूवी में क्या खास है, आप क्यों देखनी चाहिए मैदान मूवी, उस पर बातचीत कर लेते हैं। मैदान मूवी हम फर्स्ट आपसे बात करेंगे, जिसलिए आप थिएटर में आएंगे शायद आपको थोड़ा रिलैक्स करेगी, लेकिन आपको अपनी सीट नहीं बदलनी, ना आपको कैफेटेरिया में भागना है कॉफी या कोल्ड ड्रिंक के लिए, आपको ठहर जाना है, क्योंकि अभी तो पिक्चर रोज शुरू होने वाली है, क्योंकि पिक्चर में बहुत कुछ है। ये पिक्चर 1991 और 1962 के हीरोज के ऊपर बनी है, उनके कोच रहे फुटबॉल टीम के रहीम साहब, कमाल के कोच हैं, उनके किस तरीके से एलिगेंस लगा, उन्हें कैसे बाहर किया गया, उस समय कैसे राजनीति क्रिकेट के साथ साथ बाकी गेम्स में थे, आज भी हैं, आप नकार नहीं सकते, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा था, क्योंकि उस समय ना कोई सोशल मीडिया था कि शायद ट्रोल किया जाएगा, स्थिति बदली, लेकिन गेम का रूप ना बदला ना सिनेमा बदला, शायद इस सिनेमा से फुटबॉल जैसे टीम अन्य गेमों को आप खोलेंगे, तभी हम शायद चाइना और जापान जैसे फिल्मों की तरह की देश की तरह मेडल जीत पाएंगे। फिर लौटते हैं फिल्म की तरफ, अजय देवगन ने कमाल का काम किया, आखिरी सीन तक बंदा ने जिस तरीके से अपने फेस एक्सप्रेशन से लेके डायलॉग डिलीवरी और आखिरी मोमेंट पे आपको लगेगा ओ भाई साहब, आप अजय देवगन नहीं रहीम को खुद देख रहे हैं इस रोल में, तो कमाल का देखेगा। प्रेम मली का जितना भी रोल है तो आपको इम्प्रेसिव करेगा, साथ में ऐसे आपको मोमेंट आएंगे जो बुला देंगे, अगर आप अपने देश अपने तिरंगा से प्यार करते हैं। मैंने तो भाई कई बार रो दिया, रोने के साथ साथ बाजू में देखना पड़ा कि आंसू पूछे तो कोई लोग सोचे नहीं कि संडे है, जब देश का मामला आता है तो आंख से आंसू आ ही जाते हैं। ये फिल्म आपको देखनी चाहिए, मनोज मुंशी ने कमाल का डायलॉग लिखा है, फैशन डायरेक्टर ने चुन चुन के जो किरदार चुने हैं वो आपको एकदम बिल्कुल लगेगा, तो वही आप किरदार को महसूस करें देख रहे हैं। रहमान साहब हमेशा से अपने म्यूजिक से इम्प्रेस करते हैं, तो क्यों ना आप तैयार रहें और अपने पॉकेट का पैसा सही जगह खर्चा करें, और शैतान की बात अजय देवगन की ये मूवी आपको बिल्कुल मुस्कुराहट लाएगी चेहरे पे, थोड़ा सीना भी चौड़ा करेगी, साथ में थोड़ा रुला देगी, लेकिन बहुत कुछ इतिहास के पन्नों को आपको जहन में कई सारे सवाल के साथ छोड़ के जाएगी। तो 11 अप्रैल को सिनेमाघर में जाएं और बताएं हमारा रिव्यू कैसा लगा और साथ में फिल्म कैसी लगी, और हमारे ट्विटर हैंडल पे हैशटैग के साथ अजय देवगन या मैदान हैशटैग मैदान अश्विन मिश्रा रिव्यू के साथ आप रिव्यू दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली फिल्म के बारे में बताएंगे अगले फ्राइडे, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।